नमस्कार मेरे सारे भाइयों को, आज वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकल के सामने आई है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 है। और ये वैकेंसी की भरने की स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो गई थी। और इस भर्ती की आखिरी डेट है 30/7/2019 की। और इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम इसके अंदर पोस्टों की बात कर दें, तो इस भर्ती के अंदर 2 पोस्टों पर भर्ती निकली है। पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अगर इसके अंदर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की डिमांड इन्होंने करी है 10th और 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस आप 50% से पास होने चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, प्लस आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम इसके अंदर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ऊपर पोस्ट की बात करें, तो इन्होंने मैक्सिमम इन्होंने पोस्ट निकाली है 105, जो कि इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 65 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 22 और टोटल पोस्ट इसके अंदर 105 निकाली है। और ट्रेन क्लर्क की बात करें, तो ट्रेन क्लर्क के अंदर इन्होंने 10वीं 12वीं पास मांगे हैं, प्लस 50% से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो। और इसके अंदर टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है 18, जो कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज निकाली है। जनरल के लिए निकाली इन्होंने 12 और एससी के लिए 3, एसटी के लिए इन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं रखी है यहाँ पे, और ओबीसी के लिए निकाली है 3। जो हमारी टोटल पोस्ट बनती है वो बनी है 18। और अगर हम इसके अंदर एज की बात करें, तो एज इन्होंने एज रिलेक्शन कास्ट वाइज दिया है। जैसे कि अगर आप जनरल व्यक्ति है तो आप 18 से 42 साल के व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलेक्शन दिया है, 18 से 42 प्लस 3 साल का एज रिलेक्शन। और आप अगर एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का इन्होंने एज रिलेक्शन दिया है। और एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जिसके अगर एग्ज़ाम हम सिलेबस की बात करें, तो एग्ज़ाम सिलेबस के अंदर आपका पहले तो मैथमेटिक्स आएगा, जिसके अंदर आपसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेज, लॉस, बेनिफिट, यही सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और आपके जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आएगी, जिसके अंदर आपसे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप्स, रीजनिंग। और एक आएगा जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसके अंदर आपसे गेम्स एंड स्पोर्ट, कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मूवमेंट्स, यही सब आपसे इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको कितने मार्क्स से पास होना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40% से ये पेपर क्वालिफाई करना है। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 30% से पेपर क्वालिफाई करना है। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम आपको 25% से ये पेपर क्वालिफाई करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन्होंने मांगी है इसके अंदर। और आपको अगर अप्लाई करने की बात बता दूँ, अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.rrcwr.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड मिलेगा। ईमेल पासवर्ड से आपको लॉगिन करके आपको आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन पूछे जाएंगे उसको फिलअप करके आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके इस भर्ती को अप्लाई करना है। और आपको एक बात और बता दूँ, इसके अंदर जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करने हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर दिया हुआ है इनवैलिड अप्लीकेशन नॉट हैविंग प्रॉपर स्कैन फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर, मतलब कि अगर आपके पास नहीं है तो वो इनवैलिड रहेंगे, आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस भर्ती को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। और एक इंडियन आर्मी की बहुत ही एक अच्छी बहुत बड़ी रैली की भर्ती निकली हुई है, वो आपको आई बटन में देख रहे होंगे ऊपर, आपको उसमें मिल जाएगी, आप वो भी जाके आप देख सकते हो। और हाँ, अगर इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है, तो आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जो कि है www.rrcwr.com। थैंक यू सो मच।